विगत एक महीने में धौलपुर पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एसपी बोले, अवैध कार्यों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ रहेगी जारी। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में पिछले एक माह में धौलपुर पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़, अवैध हथियारों, अवैध शराब, अवैध खनन, जुआ, सट्टा, साइबर धोखाधड़ी आदि की रोकथाम के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। जहां पिछले एक माह में 28 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, वहीं अवैध हथियारों की रोकथाम एवं धरपकड़ अभियान में 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 46 अवैध हथियार व 149 कारतूस बरामद किए हैं। इसी प्रकार पिछले एक माह में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान में 71 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनसे 5,765 अवैध देसी शराब के पब्बे, 368 बियर की बोतल, 94 अंग्रेजी शराब के पब्बे, 71 लीटर हथकड़ शराब, 28 अंग्रेजी शराब की बोतल सहित 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वहीं जुआ एवं सट्टा की धरपकड़ में 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 6,52,670 रुपए जुआ सट्टा राशि भी जब्त की है। यही नहीं, जिला पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पिछले एक माह में ही अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 24 वाहनों से करीब 86 टन अवैध बजरी एवं पत्थर जब्त किया है। बाल श्रम की रोकथाम के लिए भी की गई कार्यवाही में 17 बच्चे बच्चियों को मुक्त कराया है। वहीं साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश कर 12 साइबर ठगों को प्रयुक्त सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक मेहरड़ा ने बताया कि पिछले एक माह में धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष रणनीति बनाकर अवैध कार्यों की रोकथाम एवं इनामी व वांछित अपराधियों की धरपकड़ में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जिले में अवैध हथियारों, अवैध शराब, जुआ एवं सट्टा के खिलाफ विशेष कार्य योजना बनाकर इनके ठिकाने चिन्हित कर पुलिस टीमों द्वारा दबिशें देकर इन्हें संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किए गए हैं।